नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में वीकली करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर अप करेंगे। सभी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं। जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वही प्रश्न दोस्तों हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। साथ में हर एक क्वेश्चन की डिटेल भी जानेंगे, ठीक है। तो चलिएगा, शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स, ली सीन लोंग किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद को छोड़ने की घोषणा की है। तो ये हैं दोस्तों सिंगापुर के। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो ली सीन लोंग ये दोस्तों प्रधानमंत्री हैं सिंगापुर के, जो अपने पद को छोड़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों सीबीआई केंद्रीय जाँच ब्यूरो में संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है अनुराग कुमार को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो हाल ही में जारी किया गया है दोस्तों वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंक 10 है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। जो दोस्तों इंडेक्स सूचकांक ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अगर 4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं तो उनमें से एक प्रश्न इंडेक्स से होता ही है, ठीक है। इसकी डिटेल जानेंगे कि हाल ही में शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने साइबर अपराध सूचकांक जारी किया है। नए शोध के अनुसार भारत साइबर अपराध में 10वें स्थान पर है। इसके तहत दुनिया के लगभग 100 देशों की रैंकिंग तैयार की गई। इस सूची में रूस पहले स्थान पर, उसके बाद यूक्रेन, चीन, अमेरिका और नाइजीरिया और रोमानिया है, ठीक है। उत्तर कोरिया रैंकिंग में 7वें स्थान पर है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि विश्व साइबर अपराध सूचकांक में पहला स्थान किसका है, रूस का। भारत का कौन सा स्थान है, तो 10वां। चौथा क्वेश्चन है कि किसे हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया। तो हाल ही में दोस्तों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर जो नामित किया गया, तो वह अवंतिका बंदनपू है, ठीक है। तो अवंतिका बंदनपू को दोस्तों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व कला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड आर्ट डे जो मनाया जाता है, तो वह 15 अप्रैल को मनाया जाता है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन दोस्तों अबू धाबी में किया जा रहा है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन की डिटेल जानेंगे कि वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन खाड़ी शहर अबू धाबी में किया जा रहा है। इसका आयोजन वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने, स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा करने के लिए किया जा रहा है। तो याद रखिएगा कि वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का जो आयोजन किया जा रहा है खाड़ी शहर अबू धाबी में, इसका जो उद्देश्य है तो वह है दोस्तों वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने और स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई। तो हाल ही में दोस्तों अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अहम भूमिका निभाई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है। तो इस संस्थान के द्वारा दोस्तों अहम भूमिका निभाई गई। डिटेल जानेंगे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अयोध्या में शुरू सूर्य तिलक कार्यक्रम में प्रयोग हुए ऑटो मैकेनिकल सिस्टम को CBRI ने और डिवाइस का निर्माण ऑप्टिक्स बेंगलोर ने किया है, ठीक है। तो दो संस्थान थे जिनके द्वारा दोस्तों इस कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाई गई। अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है, विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ठीक है। तो विश्व विरासत दिवस दोस्तों मनाया जाता है 18 अप्रैल को प्रतिवर्ष। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। डिटेल है दोस्तों कि सांस्कृतिक विरासत
के सम्मान और सुरक्षा करने के लिए हर वर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद ने 1982 में इस दिवस की घोषणा की और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन मतलब यूनेस्को ने साल 1983 में इस दिवस को मंजूरी दी। मतलब 1982 में दोस्तों घोषणा की गई थी और यूनेस्को के द्वारा इस दिवस को मनाने के लिए जो मंजूरी दी गई तो वह 1983 में दी गई थी। इस वर्ष विश्व विरासत दिवस का थीम विविधता की खोज करें और अनुभव करें, ठीक है, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो थीम भी याद रखिएगा विरासत दिवस की। अगला प्रश्न है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन भारत और किस देश की सेना के बीच किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक, जिसका आयोजन उज्बेकिस्तान और भारत की सेना के मध्य किया जाता है। इस बार दोस्तों उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया जा रहा है। पिछले वर्ष जो किया गया तो वह अपने पिथौरागढ़ में किया गया था। डिटेल जानेंगे कि भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक के 5वें संस्करण का आयोजन 15 अप्रैल से उज्बेकिस्तान के टर्मेज में किया जा रहा है। यह भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान सेना के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह भारत और उज्बेकिस्तान में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। पिछले संस्करण का आयोजन साल 2023 में पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया था, ठीक है। तो एक साल दोस्तों उज्बेकिस्तान में, दूसरे साल भारत में इसका आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न रहेगा स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन किया गया है दोस्तों न्यूयॉर्क में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो याद रखिएगा, डिटेल जानेंगे दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन किया गया। इसका गठन साल 2000 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के एक सलाहकार निकाय के रूप में किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये बने हैं दोस्तों कुवैत के नए प्रधानमंत्री। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन वी। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों दिनेश कुमार त्रिपाठी को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इनसे पहले जो थे तो वह थे दोस्तों आर हरि कुमार, ठीक है, और आर हरि कुमार का स्थान लिया है दिनेश कुमार त्रिपाठी ने। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, याद रखिएगा। डिटेल जानेंगे दोस्तों, वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 30 अप्रैल 2024 को कार्यभार संभालेंगे, मतलब यह अपने पद पर जाएंगे तो वह 30 अप्रैल 2024 को नियुक्त होंगे, ठीक है। वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार सेवा से रिटायर होने वाले हैं। त्रिपाठी वर्तमान में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है, स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसे मिला। तो ये मिला है दोस्तों हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा को, ठीक है। दोहा किसकी राजधानी है, तो ये दोस्तों कतर की राजधानी है, जिसके एयरपोर्ट को स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 में वेट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है, ठीक है। थोड़ा डिटेल जानेंगे क्योंकि इसमें भारत के एयरपोर्ट भी हैं, और भारत का एयरपोर्ट है दिल्ली एयरपोर्ट, जिसे 36वें नंबर की रैंक प्राप्त हुई है, ठीक है। तो डिटेल जान लेते हैं एक बार कि दोहा के हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड अपने नाम किया। हमाद एयरपोर्ट ने 12 बार के चैंपियन सिंगापुर चांगी हवाई अड्डे को पछाड़कर यह अवार्ड अपने नाम किया। मतलब 12 बार लगातार चांगी हवाई अड्डा, ठीक है, बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब अपने नाम कर चुका था, और इसे पीछे छोड़कर इस बार हमाद एयरपोर्ट ने यह खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। और याद रखिएगा कि भारत का जो एयरपोर्ट है दिल्ली एयरपोर्ट, तो इस बार यह 36वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है। तो ये पहुंच गया है दोस्तों तीसरे स्थान पर। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक
क्रूज मिसाइल की आपूर्ति किस देश को कर रहा है? तो भारत दोस्तों फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण है, हाल ही में तिरंगी बर्फी को जीआई टैग दिया गया, यह किस शहर से संबंधित है? तो दोस्तों तिरंगी बर्फी जिसे जीआई टैग मिला तो यह है वाराणसी की बर्फी है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, डिटेल जानेंगे कि हाल ही में वाराणसी की बर्फी तिरंगी बर्फी को जीआई टैग प्रदान किया गया, इसके साथ ही वाराणसी के एक अन्य उत्पाद धलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो दोस्तों वाराणसी के दो उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। ठीक है, अभी तक बनारस क्षेत्र से कुल 34 उत्पादों और उत्तर प्रदेश के 75 उत्पादों को जीआई टैग दिया जा चुका है। तमिलनाडु 58 जीआई उत्पादों के साथ दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो पहला स्थान किसका है जीआई टैग में? उत्तर प्रदेश का, दूसरा स्थान है तमिलनाडु का। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज की हमारी इस क्लास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी, सभी क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का आपका होमवर्क रहेगा कि भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसका भी आंसर कमेंट करके बताना है। दूसरा क्वेश्चन है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास दशक का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? तो ये दो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। साथ में बताइएगा दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर फ्रेंड्स पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के साथ। तो चलिएगा, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।